हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर डिजिट कोड मूव होना शुरू हो गया लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, हम डिस्प्ले अगर आएगा सब कुछ होगा तो हम क्यों चेक करेंगे, सीधी सी बात है। तो कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हमने लगाया है, पहला बात ये है। तो डिस्प्ले नहीं आ रहा है लेकिन डिजिट कोड मूव होना स्टार्ट हो गया और नमलॉक लाइट नहीं जल रहा है, नमलॉक लाइट हम प्रेस करके देख रहे हैं वो नहीं जल रहा है। फिर क्या हुआ, एक जगह पर जाके वो कोड स्टक हो गया, रुक गया, अचानक से एक जगह पर जाके वो कोड रुक गया। समझ में आया केस? जी सर, पहले मूव किया फिर एक जगह पे रुक गया लेकिन नमलॉक लाइट नहीं चल, तो क्या होगा, आप लोग पहले क्या करोगे, बायस को रिप्रोग्राम करके देखोगे। बायोस का प्रॉब्लम होने से, बायोस का बहुत प्रॉब्लम होता है, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, बायोस के प्रॉब्लम से बहुत सारा लैपटॉप या डेस्कटॉप में नो डिस्प्ले प्रॉब्लम, डेड प्रॉब्लम, रिस्टार्ट प्रॉब्लम, हैंग प्रॉब्लम, ब्लू स्क्रीन एरर प्रॉब्लम, ये सब आता है। तो ये एक अंदाजा आपको दे देगा, एक रास्ता दिखा देगा कि कहाँ से शुरू करना है जर्नी रिपेयरिंग का। और सेकंड क्या हो सकता है, कोई सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये एक जनरल चीजें आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। दिमाग में एक चीज हटा दो कि आप लोगों को अगर लगता था कि डिबग कार्ड आया तो पूरी तरह से आपको समझा देगा वो क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं होता है। आपको एक रास्ता दिखा रहता है, डायरेक्शन दिखा देता है वो, लेकिन चलना आपको उस पर है। आगे बढ़े, यस सर। अब देखो रिसेट के बारे में समझते हैं। रिसेट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिसेट शुड ग्लो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देन इट शुड ऑफ, मीन्स रिसेट इज ओके। मतलब रिसेट क्या होगा, ऑन होके एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उसका जो ग्रीन कलर का जो लाइट है रिसेट वाला, जो वो ऑन वो होके ऑफ जलेगा फिर ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाना चाहिए तब ठीक है। जी सर, अगर ऐसा हो रहा है मतलब रिसेट हमारा सिग्नल ओके है, अगर जल के रह गया तो मतलब रिसेट में इश्यू है। खराब है ये। अब रिसेट कहाँ कहाँ से निकलता है, कौन कौन देता है, सब पता है ना, ठीक है। अब देखो, अब एक समझो, सबसे पहले तो क्लॉक आएगा उसके बाद रिसेट आएगा ना किसी में भी, तो सर अगर क्लॉक भी मिसिंग हुआ तो भी तो रिसेट नहीं दिखाएगा। तो सोचो कि क्लॉक का, पहले क्लॉक का देख लेते हैं हम, तो क्लॉक मिसिंग होने से भी कभी कभार रिसेट नहीं आता है, मतलब क्लॉक रिसेट का लाइट जला हुआ रहता है। रिसेट का लाइट में बस एक चीज ध्यान रखना, रिसेट वाला जो लाइट है रिसेट के लाइट को जल के तुरंत बुझ जाना है, तुरंत जलेगा तुरंत बुझेगा तो ठीक है, रिसेट में और हाथ लगाना नहीं है, सब ठीक है। दूसरा क्या है, सीपीयू सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये सारे रिसेट में काम करता है ना, पीसीएस सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है कि सीपीयू सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। देखो लास्ट में इसलिए मैंने मेंशन किया, एनी सेक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रिसेट सिग्नल। कौन कौन सा, कौन कौन सा सेक्शन रिस्पॉन्सिबल है रिसेट सिग्नल जनरेट करने के लिए, आप लोगों को पता है? ऐसा तो उसमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ रिसेट का, तो रिसेट का लाइट जल के रह जाएगा, जल के बुझेगा नहीं। अगर जल के बुझ गया तो मतलब आप लोग पता कर लेना कि रिसेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये बहुत अच्छा चीज है कि नहीं, आपको चेक नहीं करना पड़ा, पीएलटी रिसेट कहाँ पे जा रहा है, आरएसएम रिसेट कहाँ पे आ रहा है, ये सब चेक करने का जरूरत नहीं, इसी रिसेट कहाँ पे आ रहा है चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर जल के बुझ गया मतलब रिसेट साइड में हमको जाना ही नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम, सुविधा हो गया। अब देखते हैं क्लॉक, क्लॉक का लाइट हमेशा जलना चाहिए, खाली एक ही लाइट है, एक ही लाइट है, सारा वोल्टेज का लाइट हमेशा जलना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज का लाइट हमेशा जलना चाहिए, क्लॉक का लाइट जलना चाहिए, लेकिन रिसेट का लाइट सिर्फ एक ऐसा चीज है जो जल के बुझ जाना चाहिए। अब क्लॉक क्या है,
अगर क्लॉक का लाइट नहीं जल रहा, अगर क्लॉक का लाइट नहीं जल रहा है तो क्या होगा? क्लॉक कौन कौन जनरेट करता है? क्रिस्टल करता है। देखो हम लोग पढ़े हैं बोल के समझने में दिक्कत नहीं होगा, अगर क्रिस्टल नहीं तो क्लॉक जनरेट। लेकिन यहाँ पे मेन क्या बताया है, मतलब मैक्सिमम चीजें क्या होता है, जो क्लॉक जनरेटर आईसी होता है उसको भी तो एक क्रिस्टल चाहिए होता है ना। वो क्रिस्टल भी खराब होने से हमारा क्लॉक में इश्यू होगा, और अगर क्लॉक जनरेटर इटसेल्फ भी खराब होगा तो भी क्लॉक में इश्यू होगा। क्लॉक लाइट तब नहीं चलेगा जब क्लॉक सिग्नल पहुंचेगा नहीं, सीधी सी बात है। अब नहीं पहुंचने का रीजन क्रिस्टल भी हो सकता है, क्लॉक जनरेटर भी हो सकता है, या फिर क्लॉक जनरेटर आईसी के पास में बहुत सारा रजिस्टर लगा रहता है जिसको होके गुजरना होता है उसको, वो रजिस्टर में भी प्रॉब्लम होगा तो क्लॉक गुजरेगा क्या, क्रॉस करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। तो वेरी सिंपल, बस हमको क्या करना है, सारा सिग्नल पार हो रहा है कि नहीं वो चेक करता है, अटका मतलब वो वहां पे इंडिकेट कर देगा। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, सारे लाइट कैसे ग्लो करता है और हमारा कोडिंग, सब कुछ कुछ कोडिंग्स मैंने बता दिया, इतना कोडिंग भी जान के, और अगर आप इतने में कर लिए तो बहुत सारी चीज आपको पता चल जाए। कुछ भी दिक्कत हुआ समझने में? नहीं सर, समझ में आ गया ना। और बाकी मैं कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा, इसका तो बता नहीं सकता अभी कि जब तक लॉकडाउन है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका प्रैक्टिकल कैसे आप लोगों को दिखाया जाए कि ये जल रहा है वो जल रहा है। मैं कोशिश करूंगा इसका वीडियो कुछ करने का, अगर नहीं हुआ तो जब खुलेगा लॉकडाउन तो फिर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। मेरे पास कार्ड है पड़ा हुआ है, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कौन सा कंप्यूटर में प्रॉब्लम होने से क्या क्या कोड जनरेट हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस कार्ड को हम कहाँ पे लगाते हैं, जो वाला कार्ड दिखाया PCI में। और इसका और डिटेल, इस कार्ड का हो सके तो और डिटेल हम और डेप्थ में और डिटेल में कल हम इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसके लिए लाइट नॉलेज इतना चाहिए। इतना नॉलेज आपके पास अगर है कार्ड को लेकर तो आप उस कार्ड को यूज कर सकते हो। आप कर सकते हो कि नहीं, एटलीस्ट कौन कौन सा वोल्टेज है कि नहीं, कौन कौन सा वोल्टेज ओके है, कौन कौन सा वोल्टेज नहीं है, रिसेट ओके है कि नहीं, क्लॉक ओके है कि नहीं, इतना तो पता कर लो लाइट देख के। यस सर, इतना पता करना आपको बहुत बड़ा बात नहीं है, इतना पता करने में बिना कार्ड का आपका बहुत हालत खराब हो जाएगी। आपका सारा रिसेट चेक करना, सारा क्लॉक चेक करना जरूरत ही नहीं है, लाइट जल रहा तो खत्म और क्या। तो एक आपके पास हथियार आ गया जो आपका काम आसान कर देगा। ठीक है, अब ये कार्ड कौन सा स्लॉट में लगता है? मैंने बोला ये जो कार्ड है PCI, अभी ये जो कार्ड मैंने दिखाया है वो PCI स्लॉट में लगता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सोचो तुम लोग थोड़ा सोच के, कौन बता सकता है क्रिएटिविटी के साथ कि PCI स्लॉट में ये कार्ड इतना सारा चीज कैसे बता रहा है? सर वही मैं सोच रहा था। सही क्वेश्चन, और कोई किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया फिर आंसर कुछ आया, क्या हो सकता है बोलो अगर क्वेश्चन आ गया है तो। अच्छा नहीं आया, तो बाकी सबके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया था कि नहीं, ऑनेस्टली बताना। हाँ हाँ मत बोल देना सब। ठीक है, अब हम देखेंगे PCI स्लॉट को, थोड़ा देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। PCI स्लॉट को देखने से नहीं समझ में आ जाएगा वो क्यों इतना चीज पता कर रहा है? एक चीज तो कॉमन है ना, जितना चीज ये इंडिकेट कर रहा है कार्ड उतना सारा चीजें PCI स्लॉट में तो आ रहा होगा। यस सर, अगर PCI स्लॉट में वोल्टेज एक तो नहीं, तो 12 वोल्ट पहुंच ही नहीं रहा होगा तो कार्ड दिखाएगा क्या? नहीं सर, इतना तो कंफर्म है कि जितना भी इंडिकेशन ये कार्ड जनरेट कर रहा है, एटलीस्ट लाइट और कोडिंग तो देखो, वो तो कोडिंग जो दिखा रहा है वो तो कार्ड का कमाल है, लेकिन ये जो लाइट ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ये हमारा उस पर्टिकुलर कनेक्टर पे वो सारी चीजें आ रही हैं, क्लॉक सिग्नल भी आ रहा है, सारे वोल्टेजेस भी आ रहे हैं, रिसेट सिग्नल भी आ रहा है, इसलिए वो उसका स्टेटस बता पा रहा है। अगर वहां तक पहुंच रहा है, अगर पीसीआई स्लॉट तक पहुंच जा रहा है वो सब चीज, मतलब बोर्ड में फ्लो हो रहा होगा। यस सर। और जो सर जो सर्किट के सर जो सर्किट के सर्किट जो कनेक्टेड होते हैं सर सर वैसे ही सर्किट कनेक्ट होते हैं। हाँ देखते हैं, रुको रुको, इस चीज को हम देखेंगे ना अभी, पीसीआई स्लॉट हम लोग देखते हैं, ठीक है। पीसीआई स्लॉट को देख लेते हैं तो दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा। यस सर। तो चलो पीसीआई स्लॉट कहाँ पे है, सर ये रहा लेफ्ट साइड। एक सेकंड रुको, एक सेकंड मैं ढूंढ लूँ जरा। हम लोग इसको भी कल देख रहे थे ना, इसमें भी देखो, दोनों में देख लेंगे, हमारा पीसीआई स्लॉट यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं क्यों चीज बता रहा था, देखो मैं क्यों रुका, मैं बता रहा हूँ। देखो ये है ना, यस सर, इसमें पीसीआई स्लॉट है क्या? यस सर। कौन सा? नहीं सर, नहीं है, नॉर्मल पीसीआई स्लॉट नहीं है, नॉर्मल पीसीआई स्लॉट नहीं है, वो पीसीआई स्लॉट नहीं है, एक्सप्रेस है। हाँ इसीलिए मैंने बोला, लेकिन मैंने जो कार्ड दिखाया ना वो कार्ड पीसीआई स्लॉट में ही लगेगा। यस सर। लेकिन आजकल नया नया कार्ड भी आ जा रहा है, सभी सब में लग जाता है, तो वो बात अलग है। लेकिन मैंने क्यों दूसरा स्कीमेटिक चुना, क्योंकि फिलहाल मैंने जो आपको कार्ड दिखाया वो कार्ड तो पीसीआई स्लॉट में ही लगने वाला है, क्योंकि इसका स्लॉटिंग ही वैसा किया गया है, ठीक है। यस सर। तो अब हम देखते हैं, देखो ये पीसीआई स्लॉट, तो पीसीआई स्लॉट सबसे पहले ढूंढते हैं और उसका पिन का डिटेल हम थोड़ा देखते हैं, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करके देखे जरा, ये हमको ले जाएगा क्या वहां तक। ठीक है देख लेते हैं हम पीसीआई स्लॉट को, देख लेते हैं पीसीआई अभी अगर मारा तो बहुत सारा आ जाएगा। इसका बोर्ड का पिक्चर तो नहीं है, पीसीआई ई है, ये पीसीआई स्लॉट है, ठीक है, ये हमारा पीसीआई स्लॉट है। यस सर। अब देखते हैं इसका डिटेल में, हमको क्या क्या चाहिए मुझे बताओ तो। सर क्लॉक चाहिए, रिसेट चाहिए और वोल्टेज। नहीं नहीं सबसे पहले वोल्टेज क्या क्या चाहिए पीसीआई स्लॉट में, जो जिसका स्टेटस बताएगा। सर माइनस 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट। देखो यहाँ पे प्लस 2 माइनस 12 है, प्लस 12 है, माइनस 12 है, प्लस 5 है, प्लस 3 है। यस सर। देन स्टैंडबाय 3 वोल्ट भी है यहाँ, ठीक है। पहला चीज मिल गया आपको सारा वोल्टेज। ठीक है, और देखो यहाँ पे, और यहाँ पे आपका रिसेट तो आता है, क्लॉक भी आता है, देखो यहाँ पे क्लॉक है ना। यस सर। यहाँ पे रिसेट भी है ना, पीसीआई रिसेट।
तो ये ऑब्वियसली सेम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें जो चीज आएगा ही नहीं वो ये दिखाएगा कैसे, सही है ना? सर फ्रेम का है, हाँ फ्रेम ऑलरेडी भी है ना, यस सर फ्रेम ऑलरेडी भी है, ठीक है रेडी भी है, देखो यस सर फ्रेम हमारा एग्जीक्यूशन को बताता है, ठीक है वो कितना फ्रेम में जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और रेडी भी, ये दोनों चीज। लेकिन मैंने जो बाकी सब बताया और इसको डीप में हम लोग जानेंगे, ठीक है? अभी एक ओवरऑल आइडिया आ गया ना, सर बस इतना पहले मैं पहले देखता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली कैसे कंडक्ट कराया जाए, फिर मैं ये फ्रेम सुनाई दे रहे क्या? यस सर लाइट चला यस गया, सर लाइट चला गया है, चलिए चला गया था क्या, कट गया था? सर इसलिए आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। हाँ हाँ लाइट, मैं तुरंत मोबाइल से कनेक्ट किया नेट को, ठीक है? इसके बारे में और डीपली मैं कोशिश करता हूँ, एक सेशन रखेंगे जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। फिलहाल आपके दिमाग में इतना बैठ जाना चाहिए कि डिबग कार्ड से हम सारे वोल्टेजेस का स्टेटस पता कर सकते हैं, क्लॉक का स्टेटस पता करते हैं, रिसेट का स्टेटस पता कर सकते हैं, और कुछ कुछ कॉमन कोड्स हैं जिसको देख के हम पता कर सकते हैं कि किस और प्रॉब्लम है। इतना तो कंफर्म है ना? यस सर बाकी फ्रेम क्या है, रेडी क्या है, इसका एग्जैक्ट काम क्या है, कैसे होता है, ये सब चीज हम और डीप में और एक सेशन लेंगे, और एक सेशन में और सारे बहुत सारे कोडिंग और कितने कितने कोड्स होते हैं जो चीज़ कॉमनली नहीं लेकिन आता है, और क्या क्या पोर्शन होता है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना जानोगे तो आप काम इस पे कर सकते हो। और कुछ डाउट है क्या? देखो हमने क्या क्या देखा, आप लोगों को SMPS का तो याद है, क्योंकि इसके लिए नॉलेज क्या क्या होना चाहिए, कि सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सा, अब सोचो कि 12 वोल्ट, मान लो कि 12 वोल्ट नहीं चल रहा है, प्लस 12 वोल्ट नहीं चल रहा है, ठीक है? सर अगर कार्ड में अगर 12 वोल्ट नहीं चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, मुझे बताओ तो। सर वो जो SMPS है सर, वो जो CPU सर जो वोल्टेज है 12 वोल्ट सर, वहीं पे खराब हो सकता है, नहीं तो न जो 12 वोल्ट SMPS आता है वहीं से। नहीं नहीं क्या प्रॉब्लम होगा, मैं बोल रहा हूँ क्या प्रॉब्लम दिखाई देगा 12 वोल्ट मिसिंग हुआ तो। 12 वोल्ट कहाँ को जाता है मेनली? देखो इसीलिए CPU हम लोग जो, हाँ CPU में अगर पावर नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम होगा मेन? सर प्रोसेसर नहीं चलेगा। अरे नहीं वैसा नहीं, प्रॉब्लम क्या आएगा, मैं बोल रहा हूँ मैंने दिखाई देगा क्या प्रॉब्लम, कस्टमर क्या प्रॉब्लम लेके आएगा अगर 12 वोल्ट मिसिंग है तो। नो डिस्प्ले, प्रोसेसर में पावर नहीं आने से क्या होता है, नो डिस्प्ले होता है। यस सर नो डिस्प्ले अगर आया, अब देखो कैसे हम लोग ट्रबल शूट करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। नो डिस्प्ले रिसेट नहीं आने से भी हो सकता है, क्लॉक नहीं आने से भी हो सकता है, वोल्टेज नहीं आने से भी हो सकता है। अब मान लो कि वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसलिए अगर हमारा नो डिस्प्ले है तो ये 12 वोल्ट अगर मिसिंग है तो आपको पता चल जाएगा ना 12 वोल्ट का इशू है। आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, अगर डिबग कार्ड में आपको दिखा कि 12 वोल्ट का LED नहीं चला, प्रॉब्लम हमारा नो डिस्प्ले है। एक कंप्यूटर है जिसका मदरबोर्ड आपने देखा, कस्टमर आपको ला के दिया कि सर मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ऑन हो रहा है बोर्ड लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है,
तो आपने डिबग कार्ड लगा दिया तुरंत। डिबग कार्ड लगा के देखा कि 12 वोल्ट का लाइट ग्लो नहीं हो रहा है, बाकी सारा ग्लो हो रहा है, 12 वोल्ट का लाइट ग्लो नहीं हो रहा। आप क्या चेक करोगे? सर 12 वोल्ट चेक करेंगे जो सीपीयू जाता है येलो कलर का। हाँ, एसएमपी इसको चेक करेंगे ना। ऐसा तभी क्या हो जाएगा, जहां पे वोल्टेज में कुछ मिसिंग आया, डिबग कार्ड में कोई भी वोल्टेज में अगर मिसिंग आया इन जनरल, तो हम पहले एसएमपीएस को चेक करेंगे, एसएमपीएस से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर एसएमपीएस ठीक है तो भी अगर ये नहीं निकल रहा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्रोसेसर हाँ हो सकता है, और कुछ 12 वोल्ट में कहीं शॉर्ट हो सकता है, ऐसा सिर्फ 12 वोल्ट को शॉर्ट कर रहा होगा। हाँ, सर्किट में कहीं पे शॉर्ट हो सकता है। तो हम लोग जैसे डेस्कटॉप में देखे थे ना, शॉर्टिंग कैसे पता करते हैं, सॉरी लैपटॉप में देखे थे, ऐसा वैसे ही हमको देखना पड़ेगा कि बिना डिबग कार्ड का, आपके हाथ में अगर डिबग कार्ड नहीं है तो आप सबसे पहले, मैंने क्या नियम बताया था रिपेयरिंग का, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, देखेंगे अच्छे से, अच्छे से देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में वोल्टेज देके सब लास्ट में, उसके बाद देखने के बाद। आपने पहले विजुअल इंस्पेक्शन कर लिया पूरा, आपको एक अंदाजा लग गया कि बोर्ड के कहां पे कुछ प्रॉब्लम है, कि पूरा अच्छा दिख रहा है बोर्ड, उसके बाद क्या चेक करोगे आप? ऑफलाइन चेक करोगे ना? ऐसा ऑफलाइन चेकिंग हम लोग लैपटॉप का देखे थे कि कौन सा सेक्शन शॉर्ट है, कैसे पता चलेगा, डेस्कटॉप का नहीं देखे थे। डेस्कटॉप का ऑफलाइन चेकिंग कैसे होता है ये चीज भी हम सीखेंगे। तो आपको डेस्कटॉप जब भी मिला, पहले विजुअल इंस्पेक्शन कर लेना, फिर हो सके तो ऑफलाइन चेक कर लेना, हमेशा ऑफलाइन चेक कर लेना, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको आदत भी हो जाएगी। सारा सारा कनेक्टर पे खाली चेक करना है, जितना कनेक्टर है एसएमपीएस का, जितना कनेक्टर है बोर्ड में लगा हुआ, हमारा 24 पिन कनेक्टर है, 4 पिन कनेक्टर, वो सारे पिन पे पहले ऑफलाइन चेकिंग कर लेना है मल्टीमीटर से, कंटिन्यूटी मोड में रख के, कितना कितना वैल्यू आता है, क्या होता है, उसका डिटेल में बताऊंगा मैं जिस दिन ऑफलाइन के बारे में बताऊंगा, ठीक है? Yes, तो आपको अगर कहीं पर लगा लो वैल्यू आ रहा है कि कुछ शॉर्ट है, तो आपको पता चल जाएगा वो वोल्टेज नहीं आ रहा है, और अगर उसको कंफर्म करना है तो आप डिबग कार्ड लगा के चेक कर लो वो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर जो वाला पिन पे आपको शॉर्ट मिला वही वोल्टेज अगर मिसिंग है डिबग कार्ड में, तो आपको पता चल जाएगा बोर्ड में उस पाथ में कहीं पे शॉर्ट है। अगर 12 वोल्ट के पाथ में शॉर्ट है तो क्या करोगे, कहाँ चेक करोगे, कैसे ट्रबल शूट करोगे, बताओ मुझे। मान लो कि 12 वोल्ट डिबग कार्ड में नहीं आया और ऑफलाइन चेक करके आपने कंफर्म किया कि हमारा 12 वोल्ट के पाथ में कहीं पे शॉर्ट है, तो आप कैसे पता करोगे 12 वोल्ट कहाँ कहाँ पे जाता है, आइडिया है? टोटल टोटल कहाँ पे जाता है, सीपीयू पे तो जाता है, टोटल बोर्ड में नहीं, आइडिया है ना? नहीं सर। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस पहले करना पड़ेगा, इधर मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। सर जो जो आपने स्कीमेटिक डायग्राम छोड़ा था वो तो सीपीयू का था, मैं देखा था सर, और देखा था कहाँ पे सर? नहीं, आप क्या करोगे ना, 12 वोल्ट को कॉपी करके पेस्ट करके पूरा सर्च में मार देना और देख लेना कहाँ कहाँ जा रहा है, पीसीएल स्लॉट में भी आ रहा है ना सर? ऐसा यहाँ भी तो शॉर्ट होने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हमने जैसे लैपटॉप में डिटेल में देखा था कौन कौन सा वोल्टेज एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, वैसे डेस्कटॉप पे भी तो हमको आइडिया होना चाहिए 3 वोल्ट कहाँ कहाँ पे जाता है, 5 वोल्ट कहाँ कहाँ पे जाता है, 12 वोल्ट कहाँ कहाँ पे जाता है, नहीं तो अगर कोई भी सेक्शन में प्रॉब्लम हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो, आपको अगर पता ही नहीं वो जहाँ कहाँ रहा है तो आप कैसे पता करोगे कि कहाँ से प्रॉब्लम आया, जहां जहां भी वो गया है कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को? यस सर। तो आप लोग अगर हो सके तो एक होमवर्क करके रखो,
सर काला हम बताएंगे 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जाते हैं, 5 वोल्ट कहाँ कहाँ। हाँ देखो, अब सबके लिए मैं बता देता हूँ, मिनिमम एक वोल्टेज को तो पूरा ट्रेस करके पूरा दिखाओगे। कल जो दिखाएगा उसको मैं होस्ट बना के या फिर उसको मैं दे दूंगा उतना, क्या बोलते हैं उसको जूम के लैंग्वेज में, उसका उतना प्रायोरिटी दे दूंगा मैं, ठीक है। इसमें उसको मैं होस्ट बना दूंगा या फिर उसको करने के लिए मैं अलाउ कर दूंगा कि वो खुद स्क्रॉल कर सके, या फिर मैं होस्ट बना दूंगा उसको, जो बताएगा। तो आप लोग खुद स्क्रॉल करना, खुद स्क्रॉल करके आप बताना, लेकिन आपके पास तो मोबाइल है ना। यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग बताते जाना। आप जैसे जैसे बताते जाओगे मैं करता जाऊंगा इधर से। मिनिमम एक वोल्टेज को आप लोग बताओगे मुझे, सबके लिए मिनिमम एक वोल्टेज कहाँ कहाँ पर टोटल जा रहा है। एक भी बोर्ड को अगर टोटल आप ट्रेस कर लिए, पता कर लिए, तो आपको एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा आइडिया आ जाएगा। जैसे लैपटॉप का आ चुका है, लैपटॉप पे कुछ डाउट है क्या, कौन सा वोल्टेज कहाँ कहाँ पे जाता है, क्या होता है, नहीं होता है, कुछ डाउट है, सब क्लियर है ना। भूल गए हो बात यस अलग है, नहीं, भूल गए हो बात अलग है, सब याद नहीं रहता है, लेकिन देख के तो याद आ जाएगा। लेकिन डेस्कटॉप में क्या करना है, डेस्कटॉप का आपको ये चीज करना है। कल आप लोग करके आओ, फिर हम लोग देखेंगे आगे कैसे करना है, ठीक है। यस और कुछ डाउट किसी को, इसका डिटेल हम देखेंगे फिर, ठीक है। और बताओ, और कुछ डाउट है पुराना, डेस्कटॉप को लेकर, लैपटॉप को लेकर, अब जो बताया। अगर नहीं है तो आज इतने ही रहने देते हैं। मैं ये वीडियोस YouTube में अपलोड कर दूंगा। सर, सर मेरे के सिस्टम में ट्रबल शूटिंग है सर। हाँ बोलो। मेरा हार्ड डिस्क सर सर ओपन तो मैंने ऑन होता है सर, हार्ड डिस्क नहीं दिखा रहा है सर। हार्ड डिस्क ठीक है हार्ड डिस्क आपका सही है, कैसे पता चला? सर। सर एलईडी जो हार्ड डिस्क का होता है सर वही तो जल रहा था। हाँ, अब मुझे बताओ हार्ड डिस्क का लाइट कब जलता है? सर जो जब भी ऑन होता है सिस्टम जब सर, सिस्टम जब ऑन भी होता है, बूटिंग होता है सर बूटिंग होता है, लाइट कब जलता है? लाइट क्यों जलता है? लाइट के लिए क्या चाहिए? लाइट के लिए जो सप्लाई है वो चाहिए, सर। और वो एक कंडीशन पे दिखाना चाहिए कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है सर ना। हो सकता है हार्ड डिस्क में पार्शियली, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं ये, इतना आसान नहीं है। बार बार बोलता, आप जो बोल रहे हो थियोरिटिकली करेक्ट है, आप जो भी बोल रहे हो अभी, जो भी बोलने की कोशिश कर रहे हो वो थियोरिटिकल करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली आप जब वर्ल्ड में आओगे तो आपको हर चीज रिचेक करना पड़ेगा। लाइट वही जल रहा हो सर नहीं जल रहा हो, आपको हार्ड डिस्क चेंज करके देखना, उस हार्ड डिस्क को और एक कंप्यूटर में लगा के देखना पड़ेगा। फिर एक्सटर्नल कनेक्टर अगर है तो उसमें लगा के देखो हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, बायोस में डिटेक्ट कर रहा है। सर बायोस में चेक करते सर। ठीक है सर। सर बायोस में डिटेक्ट मैं कर रहा है, ये सर सर जब मैं फॉर्मेटिंग करने के लिए सर वो ओपन करता है हार्ड डिस्क सर, हार्ड डिस्क शो नहीं करता। बायोस के सेटिंग में आप चेक किए हो तो? कौन सा मदरबोर्ड है आपका, कौन सर जेब्रोनिक्स सा हार्ड डिस्क का पार्टीशन है? सर पार्टीशन एमवीआर पीपीटी है कि एमबीआर है? सर एमबीआर एमबीआर है। पेन ड्राइव से कर रहे हो कि सीडी से कर रहे हो? सर सीडी से। हाँ सीडी से, वो ठीक नहीं है। ये चीज नहीं, नहीं वैसा नहीं है, वैसा नहीं कि हार्ड नहीं डिस्क है। से ज्यादा सेट 900 करती, पेन ड्राइव देखो ना जाती है जो। देखो देखो, एक चीज तुम लोग दिमाग में बिठा लो कि थियोरिटिकल ठीक है, मैं थियोरिटिकल तुमको स्टेप बता दूंगा, लेकिन वो थियोरिटिकल हमेशा काम नहीं करेगा, ठीक ना। तो तुमको हर एक पॉसिबिलिटीज चेक करना है। ट्रबल शूटिंग का एक ही नियम है कि जितना भी तुमने समझा है आज तक, जितना भी तुमने एक्सपीरियंस किया है, सारे पॉसिबिलिटीज को चेक करते रहना है। खाली थियोरिटिकल पाथ को फॉलो करने से नहीं होगा। थ्योरी खाली हमारा एक गाइडलाइन है,
आप अगर थ्योरी को प्रैक्टिकल समझ लोगे, जो मैंने थ्योरी में बताया ये प्रॉब्लम होगा तो ये होना चाहिए, ये प्रॉब्लम होगा तो ये होना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जिस चीज को इंसान देखा ही नहीं है, इलेक्ट्रिक को किसी ने देखा है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिग्नल जाता है, जो ये होता है, कोई देखा है क्या खाली आंख से? नहीं सर, नहीं सर। ऐसे बोलते हैं कि ऑफ है, ऑन है, क्या है, ये सब एजम्पशन है, एज्यूम किया हुआ है, देखा हुआ चीज नहीं है, समझे ना? जो चीज को तुमने देखा ही नहीं है, जो चीज को किसी ने देखा ही नहीं है, उसके बारे में पता करना उतना आसान है क्या? नहीं। जो थ्योरी है वो अपने जगह पे सही है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जब तुम लोग करोगे, जब एक्सपीरियंस होगा तो समझ में आएगा। हमेशा थ्योरी और प्रैक्टिकल, कभी भी कोई भी फील्ड में थ्योरी प्रैक्टिकल मैच नहीं होता है पूरी तरह से। सर वो जो स्लॉट है सर, वो ही खराब हो सकता है क्या? कौन सा स्लॉट? हाँ बिल्कुल, देखो मैं बता रहा हूँ, हार्ड डिस्क खराब हो सकता है, हार्ड डिस्क का केबल खराब हो सकता है, स्लॉट खराब हो सकता है। आपको स्लॉट क्यों आया दिमाग में, हार्ड डिस्क क्यों नहीं आया, बताओ? सर हार्ड डिस्क सर डिक्टेटिंग करता है ना सर, एलईडी तो आपको सच में लगता सर है? हमारे कितना डाटा। कितना बेवकूफी वाला बात कर रहे हो, सोच के देखो। स्लॉट खराब होने से हार्ड डिस्क डिलीट करेगा? नहीं सर नहीं करूंगा, नहीं करेगा। आप नहीं सिर्फ करेगा सर। एक तरफ सोच रहे हो, आपका खुद का कंप्यूटर है क्या? ऐसा हाँ, इसलिए मोह माया में बंध रहे हो, हार्ड डिस्क भगवान करे खराब ना हो। क्योंकि स्लॉट प्रॉब्लम हो, केबल प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक ना? पढ़ दे, पांडे तू एक बूढ़े के बार उठे बायस थे में चेक कर चले ले, जाओ। तू एक बार बायस में चेक कर ले। हाँ मुझे काम करना है, मुझे व्हाट्सएप पे बायोस का थोड़ा इंटरफेस दिखाना है, हार्ड डिस्क में जहाँ पे तुम चेक कर रहे हो, थोड़ा मुझे दिखाओ। ये सब बिना देखे बोलना मुश्किल है। क्योंकि ये सब टेक्निकल तो चीजें पांडे हैं। बूढ़े के उठे थे चले जाओ। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ 10-12 तो चीज बोल सकता हूँ, ये देख लो वो देख लो, लेकिन देख देख अगर लिया एक बार तो मैं एग्जैक्ट चीज बता दूंगा, ये करो, ये प्रॉब्लम है। सर कभी कभी जो हार्ड डिस्क हीट हो जाए सर, सर क्या ओपन ही नहीं हो रहा है, सर हार्ड डिस्क क्या हो रहा है? हार्ड अभी का हीट ही डिस्क, हार्ड डिस्क हो चुकी, मदरबोर्ड हो चुकी। सर हार्ड डिस्क हो जी सर, मदरबोर्ड ठीक है कंडीशन हो जी, किंतु हार्ड डिस्क पे ताती हो जी पूरा। हार्ड डिस्क ताती जाउची पूरा। तो हां दुगो मगर ठंडा है मैं जी। हार्ड डिस्क ठीक है, अलगा हार्ड डिस्क की। नहीं सर नहीं, तो एक बार अलग हार्ड डिस्क लगा के देख लो, ठीक है? हो सकता है डिटेक्ट कर रहा है, सब सर कुछ कर रहा है, लेकिन हार्ड डिस्क में अंदर में डिटेक्शन वाला सर्किट तो काम कर रहा है, लेकिन वर्किंग वाला सर्किट में प्रॉब्लम हो गया। सर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखो जेनविन सा चीज है, तुम लोग अगर रिपेयरिंग में जा रहे हो तो तुम्हारे पास सबसे पहले है सारे, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, सीडी ड्राइव हुआ, कुछ केबल्स हुआ, ठीक है ना? ये सब चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए चेंज करने के लिए। रैम हुआ, प्रोसेसर तो होता नहीं है आजकल, तो लगा हुआ रहता है, फिर भी अगर प्रोसेसर भी पॉसिबल है तो प्रोसेसर हुआ, ये सब चीज हमेशा एक सही वाला होना चाहिए आपके पास, जिसको चेंज करके आप देख सको, ठीक है ना? यस तो पहले देखो, मुझे बीट बाय बीट मुझे व्हाट्सएप पे आप कम्युनिकेट करो कि ये सर चेक किया, ऐसा दिखा रहा है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, तो मैं आपको एग्जैक्ट चीज बता दूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो, ठीक है? सर, और किसी को कुछ डाउट? आज जो बताया समझ में आया ना? समझ आया ठीक है, और हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, पहले मैं प्रैक्टिकल का कुछ इंतजाम करता हूँ। देखो आज तो 15 तारीख हुआ, अगर 16, नहीं कॉलेज तो खुलेगा आपका वही जुलाई के बाद ना, कॉलेज तो इतना नहीं खुलेगा। शहर खोली होनी बोले जाना ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ इसका प्रैक्टिकल का कुछ इंतजाम करता हूँ, मेरे पास कार्ड तो है,
देखता लेकिन प्रॉब्लम वाला मदरबोर्ड भी तो होना चाहिए क्योंकि डेस्कटॉप तो बहुत ज्यादा रिसीव होता नहीं है और इस बीच में तो हो नहीं रहा था। मैं तो सर सही दिन सिबर से सर को बता ले सर कॉलेज कब खोलो सर को जन मुख्य मुख्यमंत्री ठीक है तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो आज इतना रखते हैं। आप लोग फिर से देखो जो टास्क दिया मैंने वोल्टेज का, नहीं तो एक काम करो अगर आप लोगों को किसी को भी लगता है कि ज्यादा हो जाएगा बहुत सारा तो एक काम करो अपने अंदर बांट लो कि 12 वोल्ट तुम देखो माइनस 12 वोल्ट मैं देखूंगा, 5 वोल्ट तुम देखो वीएसबी मैं देखूंगा, 3 वोल्ट तुम देखो, इस तरह से अलग अलग बांट लो और सब अलग अलग से करो। ऐसा भी कर सकते हो, मैंने आइडिया दे दिया बस। या फिर एक जन सब कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है करो। फिर कल हम इसके बारे में डिटेल में और देखते हैं कैसे कैसे वोल्टेज कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है आज इतना रहने देते हैं। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे।